हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी हम इस वक्त है सुल्तान बत्री की बस स्टैंड पे और आगे हम जा रहे हैं कुछ, तो आप को ले चलते हैं। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगा 9:30 बजे और 9:30 बजे हम निकलेंगे यहाँ। दोस्तों, हमारा सफर जारी हो चुका है और हम चल पड़े बाकी यहाँ से आपको। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं अलपुजा पे और यहाँ जा रहे हैं अलपुजा बीच की ओर और बाकी मिलते हैं आप। अभी हम जा रहे हैं अलपुजा बीच की ओर। बस अभी थोड़ी देर पहले हम बस से उतरे थे, तो अभी टाइम हो चुका है 6:40 और देखते हैं बीच की तरफ जाके अभी क्या होता है बीच में और आपको भी दिखाते हैं। वैसे हमने कोची जाना था तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी के कारण हम अलपुजा पहुँच गए, तो सोच रहे कि अलपुजा में घुमा जाए और अलपुजा बीच घूमेंगे और यहाँ से बोटिंग करेंगे। देखते हैं आगे का सफ़र कैसे कैसा होता है, आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अलपुजा बीच और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। अभी तकरीबन 7 बज चुके और बाकी आपको दिखाते हैं नज़दीक से। और यहाँ देख सकते हैं अभी हम अलपुजा बीच पे हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ मनमोहक। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों को समुंदर के लहरों का लुत्फ उठाते हुए। अभी हम बोट जेट्टी के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से बुक करेंगे और आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम बोट पे बैठ चुके हैं और ये कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। इसका टाइमिंग है 11:00 पे चलती है और ये 5 ओवर पे जर्नी देगा और वापस यहीं ड्रॉप करेगा। अभी हम हैं अलपुजा की बोट जेटी पे और यहाँ पे बोट स्टार्ट होने वाला है। बाकी आप देख सकते हो ये है बोट और बाकी आप लोग दिखाते हैं अंदर। यहाँ पर 2 कोच है, एक है नॉन एसी जिसका कॉस्ट है 400 और एक है एसी जिसका कॉस्ट है 600। बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ का अंदर का नज़ारा
और आगे की जर्नी के बारे में आप लोगों को आगे बताता हूँ। अभी हम यहाँ से आगे कुछ आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, तो आइलैंड के पास हम रुकेंगे आधा घंटा, फिर वहाँ से हम कहीं और जाएंगे। तो चलो साथ चलते हैं। इसके लिए हमें टोकन दे दिया है, तो लंच में उन्होंने बताया है कि फिश करी और राइस होगा, तो देखते हैं। जो सामने आइलैंड दिख रहा है हमने वहाँ जाना है, और इस आइलैंड का नाम है पाथी रामनल आइलैंड। चलो फिर चलते हैं। अभी हम लोग है पाथी रामनल आइलैंड पे, और यहाँ पे बोट रुका है एक घंटे के लिए, और हमें एक्सप्लोर करना है और बाकी आगे वापस यहीं पे। अभी हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है कुछ देखने लायक। थोड़ा अंदर चल चुके हैं, तो देख सकते हो आप नज़ारा। अभी तक कुछ खास दिखा नहीं, मगर ये जो रास्ते हैं, रास्ते के दोनों तरफ वाटर चैनल बना हुआ है, और ये बीच में ये रास्ता है, और ये जंगल के बीच में हम चलते हुए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है तो बने रहिए। थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ एक टेम्पल है, श्री नारायण टेम्पल, छोटा सा टेम्पल है, और बाकी व्यू है। ये है फॉरेस्ट के अंदर ट्रेन, आप देख सकते हो। भाई हम चल रहे इस फॉरेस्ट के अंदर, अब तक तो कुछ दिखा नहीं, एक लिजर्ड दिखा, और बाकी ये फॉरेस्ट है आप देख सकते हो। शायद इस आइलैंड में कुछ जानवर होगा अभी, मगर हमें तो एक लिजर्ड दिखा, और बाकी होंगे हरे भरे। कुछ नहीं है खास, नेचर के बीच में
थोड़े नेचर के साउंड्स के साथ मूव करने में थोड़ा सही लग रहा है, काफ़ी अलग जैसे फीलिंग आ रहा है पहले। और ये काफ़ी ठीक फॉरेस्ट है, घना जंगल है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। देख सकते हैं कुछ खतरनाक रास्ते हैं, आपको ले चलते हैं, लुत्फ उठाइएगा जगह का। सारे लोग दूसरी तरफ गए हुए शायद, लगता है मैं ही अकेला हूँ और बाकी थोड़ा जंगल का आवाज़ आ रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि अभी हम घूम रहे हैं पाथेरामनल आइलैंड, आप देख सकते हो ये एक जंगल है जो इस बड़े से लेक के बीच में है, और छोटा सा जंगल है, कुछ खास जानवर नहीं है शायद, तभी हमें फ्री घूमने को दिया है। बाकी मिलते हैं दोस्तों बीच में, मैं थोड़ा गलत रास्ता चला गया जंगल में, तो थोड़ा निकलने में टाइम लग गया, थोड़ा बट निकल के अब जा रहा हूँ आगे। लगते सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, वो बोट के आसपास होंगे लंच के लिए, मैं भी उनको कैच करता हूँ। चलो बाकी मिलते हैं। एक्चुअली जिस बोट पे मैं आया था वो बोट निकल चुका है और मैं अगले बोट में जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया मैं और दूसरे बोट में जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं फिर। बस का वेट कर रहे हैं चारकुला में, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग चारकुला, वहाँ से मेरे को कोची का बस मिलेगा और बाकी आपको ले जाते साथ में। बस मिल चुका है और आगे हम जा रहे हैं चारकुला की तरफ। चारकुला एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ से आगे हम जाएंगे कोची। तो ये है बस, आप KSRTC का बस देख सकते हो आप। चारकुला से अभी हम कोची की तरफ जा रहे हैं। कोची पहुंच चुके हैं, अभी हम कोची पहुंच चुके हैं, तो जा रहे हैं अभी मरीन ड्राइव की ओर, देखते हैं वहाँ जाके। तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, एक दो स्पॉट कवर करूँगा, उनमें से एक है मरीन ड्राइव, पहले मरीन ड्राइव कवर करूँगा, बाकी देखते हैं उसके बाद टाइम बचा तो। अभी हम लोग कोची के मरीन ड्राइव पे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू। यहाँ पे अलग अलग तरह की बोट है जिसका राइड हम ले सकते हैं। और ये बोट है, देख सकते हैं इसका। क्रूजेस भी है और बड़े बोट भी, बाकी यहाँ का व्यू देख सकते हो आप। अभी मरीन ड्राइव के पास हैं हम, तो वाटर मेट्रो ट्राई करने का सोचा है, तो यहाँ से एक टिकट ले लिया 20 रुपये का और अभी जा रहे हैं अंदर, तो आप बताते आगे।
पहले हम थे मरीन ड्राइव में, अभी है वाइपिन पोर्ट पे। वाइपिन से अब जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन की ओर। देखने जा रहे हैं सेंट टेरेसा मोनेस्ट्री चर्च, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। हमने ये फिश लिया हुआ है। कोची काफी घूमने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम कोझिकोड तक बस लेंगे और कोझिकोड से फिर दूसरा बस एक्सचेंज करेंगे जो हमें सुल्तान बत्री छोड़ेगा। बाकी आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली सफर में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा।